So guys, finally ये रही मेरी new gaming chair and चलिए आज इसको करते हैं unbox. तो काफी समय के बाद हमें जो है यहाँ पर हमारी new gaming chair मिल चुकी है. कई सारी chairs मैंने use करी, normal plastic chair. उसके बाद मैंने office chair भी कई सारी use करी. But यार gaming chair का जो एक craze होता है ना, वो सबके अंदर होता है कि भाई यार मुझे gaming chair चाहिए. So guys, कई सारी चीजें यहाँ पर थी. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं यार एनिमेशन करता हूँ, लॉन्ग टाइम वर्क होता है एडिटिंग वगैरह एंड सारी ग्राफिक्स वगैरह. तो लॉन्ग टर्म बैठना होता है, तो यहाँ पर जो है हेल्थ इशूज बहुत सारे हो जाते हैं. यहाँ पर कुछ दिन से मेरे बैक में हो रहा था पेन. सो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी जो पुरानी चेयर थी वो इतनी खराब एंड यहाँ पर उसकी पिशनिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी. तो मैंने जो है पुरानी चेयर थी वो अच्छी चेयर थी, बट वो ऑफिस चेयर थी, उसको मैंने जो है पूरा पिशनिंग वगैरह करा के यूज़ करना चाह, बट उसमें भी मुझे प्रॉपर वो नहीं मिला. तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई. तो यार मैंने क्या किया, मैं देख रहा था यहाँ पर गेमिंग चेयर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक चेयर या जो भी आती हैं, तो कई सारी रिसर्च करी. फिर मुझे पता चला यार ये चेयर मुझे लेनी चाहिए. मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, फोन आके देखते हैं. बहुत सारा नाम सुना है द स्केप कंपनी के बारे में. तो यहाँ पर हमने एक नई चेयर बनाई है. मुझे लगता है ये फर्स्ट वीडियो होगी, पर यहाँ पर मैंने कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है इस वाले मॉडल की. बट रेस्ट जो अदर मॉडल्स हैं वो मैं, मुझे लगता है वो स्पॉन्सर्ड ही होंगे जिसको मिला है, मे भी मुझे लगता है. और अगर दसवीं कंपनी देख रही है तो उनकी कुछ अगर मिलना हो बाद में स्पॉन्सरशिप या सकती है. ऑब्वियस मैं यहाँ पर पहला हूँ जो उसको अनबॉक्स करने वाला हूँ. तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स एंड यहाँ पर आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं. इसको बिल्ड करेंगे पूरा, मतलब एक एक्साइटमेंट की तो पूरी लहर भी दौड़ रही है. तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स एंड इसके बाद इसको करेंगे प्रिंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पूरा फैला फैला है, नहीं रहा है इसका मैनुअल.
assembly instruction that you can manage to assemble. फिलहाल मुझे जो है चेयर काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको ये परचेज करनी है तो आप तक इसको अमेजोन से ले सकते हैं या फिर इसको जो है इसके साइड से मैंने इसके साइड से मंगाया है। एंड यहाँ पर ये मुझे पड़ी है 23,000 की आपका डिस्काउंट, बाकी आपको 25,000 रुपये की ना दिखाएगी। आप जो है बैंक डिस्काउंट वगैरह लेकर इसे आप अप्रॉक्स जो है 23,000 की पड़ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन की।